आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की बहुत ही टेस्टी बर्फी की रेसिपी। अगर आपको दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप दूध की मिठाई खाना नहीं चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें ना हम लोग दूध का यूज़ करेंगे, ना खोया और ना ही मावा। बहुत ही इजी तरीके से ये सूजी का मिठाई बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई में डाल देंगे 1/4 कप घी। कोई भी मिठाई घी से बहुत अच्छी बनती है, तो आप यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें। घी जब पिघल जाए तब हम लोग इसमें डाल देंगे सूजी। तो मैं यहाँ पे 1 कप ये बारीक वाली सूजी ली हूँ। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो मोटी वाली सूजी को थोड़ा देर के लिए मिक्सर में चला लें तो ये बारीक हो जाएगी। सूजी को घी में हमें धीमी आँच पर बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए, क्योंकि हमें सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, बस उसको रोस्ट कर लेना है। और आपको पता भी चल जाएगा, जैसे ही सूजी अच्छे से भुनने लगेगी चारों तरफ बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जैसे मैं यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सूजी पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे सूजी को अच्छे से रोस्ट कर ले रही हूँ। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक धीमी आँच में इस तरह से चलाते हुए हमें सूजी को रोस्ट करना है। ये एक बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है, जिसे बनाना बहुत आसान है, हर कोई इसे बना सकता है। तकरीबन 6 से 7 मिनट सूजी को भून लेने के बाद इसका टेक्सचर इस तरह से आ गया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा को इसमें डालने से इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से नारियल का बुरादा को सूजी में मिक्स करके तकरीबन 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे ये दूध की मलाई और 2 चम्मच दूध। इसमें दूध की मलाई डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इस जगह पे दूध को स्किप कर सकते हैं। तो दूध की मलाई को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और इसका टेक्सचर जो है दानेदार हो गया है। सूजी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से सूजी भून गया है। दूध की मलाई को मिला के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। तो ये हम लोग का सूजी भून गई। अब हम लोग इसको साइड करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैं यहाँ पे एक पैन ले ली हूँ। पैन में डाल देंगे 1 कप चीनी। 1 कप सूजी के लिए 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप चीनी में डाल देंगे 1 कप पानी। तो मेजरमेंट का ध्यान रखें, 1 कप सूजी 1 कप चीनी 1 कप पानी और 1/4 कप घी। मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी को सेट करें और उसी हिसाब से सारा चीज़ को मेज़र करें। तो ये देखिए, हम लोग का जो चीनी है वो अच्छे से पिघलने लगी है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर का धागा और 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। केसर अगर नहीं है तो उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इलायची का पाउडर से ही इसको बना सकते हैं। तो चीनी जब पिघल जाएगा तो चीनी के पिघलने के बाद चाशनी को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें पका लेना है। हमें यहाँ पे 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस जैसे गुलाब जामुन के लिए हम लोग चाशनी बनाते हैं चिपचिपी सी, वैसे ही चाशनी हमें बना लेनी है। क्योंकि ये चाशनी सूजी के साथ भी अच्छे से पकेगी, इसीलिए चाशनी जब तक सूजी में पकेगी तब तक 1 तार की बन जाएगी। अभी से अगर उसको बना देंगे तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो ये देखिए, हम लोग की चाशनी चिपचिपी सी बन गई है। अब जो सूजी हमने लिया है उसको थोड़ा देर के लिए हम लोग गैस में चला देंगे। गैस में चलाने के बाद जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें डाल देंगे चाशनी जो हमने बना के रखा। चाशनी को डालने के बाद हमें तुरंत सूजी को अच्छे से मिक्स करते रहना है, नहीं तो वो गुठली बन सकती है। इसलिए चाशनी को डाल के तुरंत हमें सूजी को इस तरह से मिक्स करना है। सूजी को इस तरह से मिक्स करते हुए चाशनी में तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पका लेना है, ताकि सूजी अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब करे, अच्छे से पक जाए और हम लोग का मिठाई अच्छे से सेट होने लायक हो जाए। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हमें पकाना है सूजी को। जैसे जैसे हम लोग इसको पकाते जाएंगे आप देखेंगे कि हम लोग का जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होता जाएगा और ये क्रिस्टल फॉर्म में आता जाएगा। तो इस तरह से पकाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमें पका लेना है। 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि हम लोग का जो सूजी है वो बहुत हद तक फूल गई है और बहुत अच्छे से जमने लगी है। अब इस स्टेज पर हम लोग इसमें डाल देंगे 1 से 2 छोटी चम्मच घी। घी डालने से हम लोग का जो चाशनी है वो क्रिस्टल, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, एकदम अच्छा सा टेक्सचर उसमें आएगा। तो इस तरह से हमें घी डाल के घी को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। 2-3 मिनट बाद थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से एक कटोरी में लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करके इसको इस तरह से हाथ से चेक करेंगे
तो हाथ को थोड़ा सा घी में ग्रीस करके इस तरह से चेक करेंगे। तो ये देखिए हम लोग का जो मिक्सचर है वो डो जैसा बन रहा है। तो हम लोग का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं पकानी है। तो ये मिठाई का मिक्सचर रेडी है। अब ले लेंगे एक थाला, थाला को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि वो चिपके नहीं। उसके ऊपर हम लोग का जो मिक्सचर है उसको इस तरह से डाल देंगे। डाल देने के बाद इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको चारों तरफ से फैला के लेंगे ताकि अच्छे से वो फैल के रहे और सेट हो जाए अच्छे से। ये काम आपको फटाफट करनी है क्योंकि सूजी हम लोग का बहुत गर्म होते हुए ही इसको इस तरह से फैला लेना है, नहीं तो ये सेट होने लगेगा। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। तो मिक्सचर को अच्छे से फैला लेने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ बादाम। आप चाहे तो इसमें पिस्ता और काजू भी डाल सकते हैं। बादाम डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। बादाम को अच्छे से इस तरह से लगा लेने के बाद हम लोग एक नाइफ लेंगे और नाइफ की मदद से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसा आपको चाहिए वैसे ही साइज़ का आप इसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से जो काजू कतली बनता है वैसे ही साइज़ का बना रही हूँ। आप इसको बर्फी जैसा भी बना सकते हैं। तो इसको इस तरह से कट कर लेने के बाद हम लोग इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटा के लिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। 1 से 2 घंटा बाद इसको हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोग का जो बर्फी है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम लोग एक नाइफ की मदद से इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना डिलीशियस और कितना अच्छे तरीके से ये बर्फी निकल रही है। तो इस तरह से हम लोग सारे बर्फी को निकाल लेंगे और इसको इस तरह से एक प्लेट में सजा लेंगे। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से कितना टेस्टी बर्फी बन के तैयार हुआ। अगर आप इस बर्फी में चीनी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो चीनी के जगह गुड़ का भी इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।